मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कार, सनातन भारत परिवार में मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी, यदि किसी को लिपोमा है, गिल्टी है, टॉन्सिल है, प्रोस्टेट है या फिर गर्भाशय में गांठ है और जिनको स्तन के अंदर गांठ है और कहीं भी कांख में, पैर में जिनको गांठें हो गई हैं, लिपोमा है, गिल्टी है, तो इसके लिए वो क्या उपचार कर सकते हैं? आयुर्वेदिक उपचार है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी दो वस्तुओं की। एक तो कचनार की छाल, दूसरा गोरख मुंडी। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। कचनार की छाल लेनी है आपको 25 से 30 ग्राम। उसको मोटा मोटा कूट लीजिए, मिक्सर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसको यव कूट कर लीजिए, मोटा कूट लीजिए। उसको मोटा कूट कर आपको 1 गिलास पानी लेना है। पानी के अंदर आप उसको 2 मिनट तक उबाल लीजिए, 2 मिनट काफ़ी है, उसको उबाल लीजिए। फिर उसके अंदर आपको गोरख मुंडी पिसी हुई 1 चम्मच गोरख मुंडी का आपको पाउडर डालना है। उसके बाद आपको फिर से 1 मिनट के लिए उसको उबालना है। 1 मिनट के लिए आप इसको फिर से उबाल लीजिए। फिर इसके बाद में थोड़ा सा पानी को ठंडा करके मिश्रण को छान लीजिए। दिन में आपको प्रतिदिन आपको इसका 2 बार सेवन करना है। इसका सेवन कर लीजिए 2 दिन। आप लगभग 20 से 25 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो इस जो दवाई है, ये जो औषधि है, इसका लाभ आ जाता है। बहुत ही साधारण सा आयुर्वेदिक उपचार है, कीजिएगा, फायदा करता है। इसके अतिरिक्त मैंने और भी जो बाहर, जैसे हम गिल्टी पर क्या लगा सकते हैं, जो बाहरी जो उपचार है मैंने वो बताए हैं। अपने 2-3 वीडियोज़ मैंने इस तरह के बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार लेकर मैं समय समय पर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, जुड़े रहें मुझसे। धन्यवाद।